नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑथम न्यूज। मैं हूं आपके साथ महिमा। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार तेज है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने टीएमसी पर जमकर हमला बोला है, साथ ही पानी के संकट का भी जिक्र किया है। आइए देखते हैं पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। ये धरती भगवान राम और मां सीता के वनवास की भी साक्षी रही है। ये ऐसी धरती है जहां अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है। इतना ही नहीं, अयोध्या नाम से ग्राम पंचायत भी है। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। और ये विडंबना है कि आज पुरुलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। यहां के किसानों को, मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सकें। यहां की महिलाओं को पीने के पानी के इंतजाम के लिए बहुत दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़कर टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है जल संकट से भरा जीवन। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है पलायन। इन लोगों ने पुरुलिया के गरीबों को दिया है भेदभाव भरा शासन। इन लोगों ने पुरुलिया की पहचान बनाई है देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में। बीते साल कोरोना के समय जब महीनों तक मुफ्त चावल और दाल का प्रबंध किया गया तो दीदी के तोलाबाजों ने उसमें भी घोटाला कर दिया। साथियों, आप याद करिए, जब अम्फान साइक्लोन आया और बंगाल की जनता राज्य सरकार की ओर उम्मीद लगाए देख रही थी तो दीदी ने क्या किया था? अगर सहायता राशि चाहिए तो एक हिस्सा पार्टी ऑफिस में जमा करवाइए। बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद आपकी इन दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक दिल्ली का इंजन और दूसरा बंगाल का इंजन, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा। दो तीन दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे
चाहते हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है। जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो तो दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले खेला, बीजेपी बोले चाकरी होवे, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान होवे, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले जुबो शक्ति संपूर्ण विकास होवे, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले सोमवार का काबाड़ी होवे, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले प्रत्येक घरे कौन होवे और बोले परिष्कार जो होवे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।